वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर सिक्सटी अगेन. देयर हैज बीन अ लॉन्ग टाइम एंड टुडे आई एम हियर अगेन एंड सडनली विल गेट हैप्पीनेस आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. तो आज जो मेरा सेगमेंट है वो सेगमेंट है सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स. सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स कहने से मेरा जो मतलब है वो इससे ये आपके कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस दे जाते हैं या फिर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस दे जाते हैं उनमें कुछ एक क्वेश्चंस सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स के दे जाते हैं. यानी कुछ ऐसे शब्द रहेंगे या कोई एक ऐसा शब्द रहेगा जिसकी वहां पर आवश्यकता नहीं रहेगी. यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कि वहां पे वो एक्स्ट्रा वर्ड का काम करे जिसे आपको पहचानना होगा, इसे आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसे सॉर्ट आउट करके वहां से करेक्शन करना होगा या इंप्रूव करना होगा. तो आज इतने सारे जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर हूं, जो मेरा डेली डोज का एक पोर्शन है. जो बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे उन बच्चों के पास निश्चित ही ये होगा जो डेली डोज शीट वन में मैंने दिया. तो मैंने कहा हुआ था कि डेली डोज की जो शीट होगी मैं धीरे धीरे उसे ऑनलाइन कर दूंगा. कोई भी बच्चा जो बेहतर प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा वो बच्चा निश्चित ही इनसे एडवांटेज ले सकता है. तो देखते हैं सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें हम दूर कर सकते हैं. ये पहला एग्जांपल है आपका सपोज इफ का, है ये सपोज इफ. आपके क्वेश्चन में सपोज और इफ दोनों को या सपोजिंग और इफ दोनों को एक साथ दे दिया जाए, आप तुरंत ध्यान रखें कि सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो मीनिंग होती है वो लगभग समान होती है. तो आपको करना क्या है, या तो आप सपोज का प्रयोग कर लीजिए या इफ का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर लीजिए. अगर इसमें भी किसी बच्चे के मन में आए कहां पे सपोज और कहां पर इफ का प्रयोग करें, तो जहां पे सपोजिशन मीन्स काल्पनिकता हो वहां पे आप सपोज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ का प्रयोग आप दोनों जगह पे कर सकते हैं. यानी जहां काल्पनिकता हो या काल्पनिकता न हो, सामान्य अवस्था हो वहां पर भी. यानी हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, इफ. फिर भी अगर सपोज इफ या सपोजिंग इफ दोनों दिया गया हो तो आप दोनों में से कोई एक चूज करें, या तो सपोजिंग या इफ, या तो सपोज या इफ का प्रयोग. ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिटर्न बैक. आप सारे बच्चे जानते हैं रिटर्न मीन्स एक तरह से वापस होना या वापस करना होता है, और बैक का भी वही सेंस होता है. तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग न करें आप, तो केवल क्या लें आप, रिटर्न ले, बैक हटा दें वहां से. ठीक है, हम इसकी अभी एक्सरसाइज भी देखेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे तैयार करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो रियल एडवांटेज होगा आपका जो आप ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका है रिसीड बैक. आप समझते होंगे जब समुद्र वगैरह का पानी किनारे पर आ जाता है और भी आगे आ जाता है तो फिर वो पानी धीरे धीरे वापस जाता है, बीच वगैरह पे आपने अक्सर देखा होगा. तो रिसीड के साथ बैक लगा, रिसीड मीन्स ही होता है वापस जाना. देयर इज नो नीड टू यूज बैक, यानी केवल क्या ले ले हम, रिसीड का प्रयोग कर ले. ठीक है, रिकॉल बैक भी वही चीज होता है. रिकॉल बैक जैसे किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फिर उसे पता चला वो प्रोडक्ट्स में कहीं कहीं फॉल्ट्स है, तो कंपनी उन प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लेती है यानी उन्हें वापस ले लेती है. तो रिकॉल मीन से ही वापस ले लेना. तो व्हाट इज द नीड ऑफ बैक, कोई आवश्यकता नहीं इसके, केवल क्या ले लें हम, रिकॉल का प्रयोग कर ले, न कि रिकॉल के साथ बैक लगाए. नेक्स्ट है रीइंबर्स. रीइंबर्स के साथ बैक लगाए. रीइंबर्स क्या होता है, जैसे किसी कर्मचारी ने बैंक एम्प्लॉय ने कहीं पे एम्बेजलमेंट किया है, मींस गबन किया है, ठीक है, और फिर वो पैसे उससे वापस लिए जा रहे हैं, तो वो उसे रीइंबर्स कर रहा है, वापस कर रहा है.
यानी रीइंबर्स मींस ही वापस करना होता है, तो बैग की कोई आवश्यकता नहीं, केवल रीइंबर्स हो जाए। नेक्स्ट है रिट्रीट बैग। रिट्रीट क्या होता है, जैसे सेना जो है आर्मी वो आगे बढ़ रही है और अचानक उन्हें आदेश मिलता है कमांडर के द्वारा कि उन्हें वापस आना है, तो आर्मी क्या करेगी, रिट्रीट करेगी, या सेना को भय है कि आगे शत्रु मजबूत है तो सेना रिट्रीट करती है, यानी वापस आ रही है, पीछे आ रही है। तो अगर रिट्रीट मीन से ही वापस आना या पीछे आना होता है, देन नो नीड टू यूज बैक, तो केवल क्या ले रहे हम, रिट्रीट का प्रयोग कर ले। नेक्स्ट है रिट्रैक्ट बैक। रिट्रैक्ट जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपने पंजे क्या करती, खोले हुए, और अचानक वो अपने पंजों को वापस खींच ले रही, बैक कर रही है, तो रिट्रैक्ट मीन से ही वापस करना, वापस लेना होता है, तो बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, केवल रिट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट है विदड्रॉ बैक। आप समझते हैं, जब आप बैंक वगैरह में पैसे जमा करते हैं तो आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब पैसे निकालते हैं तो आप विदड्रॉ करते हैं। विदड्रॉ मीन्स ही होता है उन पैसों को आप क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो फिर वहां बैग की कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल क्या ले लें आप, विदड्रॉ का प्रयोग कर ले आप। और लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में दिया गया, फ्लेड और फ्लेड के साथ अवे दिया गया। आप जानते हैं फ्लेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फ्ली का, एफ एल डबल ए। फ्ली मीन्स होता है डर करके भाग जाना, दूर भाग जाना, और अवे मीन्स भी होता है दूर, इज सुपरफ्लूअस है, मीन्स सो देयर इज नो व्हाट यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्ड विद फ्लेड। तो फ्लेड के साथ मीन्स फ्ली के साथ अगर अवे का प्रयोग किया गया है, तो अवे हटा दें, आप फ्लेड ले। अगर आपको अवे लेना है तो क्या ले रही है यहां पे, रन का, यानी रैन अवे या रन अवे हो जाएगा, तब हो सकता है, यानी फ्लेड के साथ अवे का प्रयोग। ये वो सुपरफ्लूअस एग्जांपल्स हैं। फिर से एक बार जल्दी समराइज कर लेते हैं, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके काम आएगा। सपोज के साथ इफ लगा है तो दोनों में से या तो सपोज लें या इफ लें। सपोजिंग के साथ इफ लगा है तो या तो सपोजिंग लें या इफ लें। रिटर्न के साथ बैक लगा है तो केवल रिटर्न लें। रिसीट के साथ बैक लगा है तो रिसीट लें। रिकॉल के साथ बैक लगा है तो रिकॉल लें। रीइंबर्स के साथ बैक लगा है तो रीइंबर्स लें। रिट्रीट के साथ बैक लगा है तो रिट्रीट लें। रिट्रैक्ट के साथ बैक लगा है तो रिट्रैक्ट लें। विदड्रॉ के साथ बैक लगा है तो विदड्रॉ लें। और फ्लेड के साथ कभी भी अभी लेने की कोशिश न करें, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि हमें एग्जाम्स में ये कैसे दिए जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई, ठीक है। माय ब्रदर डिड नॉट रिटर्न बैक, बिल्कुल इजी है ना। जैसे ही आपने देखा रिटर्न और बैक दोनों एक साथ हैं, तो यहां बैक जो है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या हो जाएगा, माय ब्रदर डिड नॉट रिटर्न माय मनी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लड, यानी बाढ़ आई हुई थी फिर पानी वापस हो गया, ठीक है। रिसीड के साथ क्या लगा है, देखिए बैक क्या लगेगा, रिसीड में से होता है वापस हो जाना, तो बैक की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट द कंपनी हैज रिकॉल्ड बैक मेनी बाइक्स ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, है ना। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कंपनी बहुत सारी बाइक्स को वापस ले रही, ठीक है। तो ध्यान से देखें रिकॉल्ड के साथ क्या है, बैक लगेगा, रिकॉल्ड के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं, खत्म। सपोज इफ आगे बढ़े ही ना, जैसे आपने सपोज के साथ इफ देखा तो दोनों में से एक ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सपोजिशनल सेंटेंस है तो आप सपोज को प्रीफर कर ले, और नहीं तो इफ का प्रयोग कर ले। यहां पे है सपोज इफ यू डू नॉट गो देयर What will he do? Normal sentence है, तो आपकी preference क्या होनी चाहिए, if होनी चाहिए, suppose का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Suppose if you do not go there, यदि आप वहां नहीं जाएंगे, what will he do? वो क्या करेगा? They have withdrawn back. जैसे आपने withdrawn और back
दोनों एक साथ देखा तुरंत समझ जाए कि दोनों में से बैक नहीं रहेगा केवल विड्रॉ होगा जिसके मीन्स निकालना होता है दे हैव विड्रॉन बैक द चार्जेस यहां केवल विड्रॉन होगा तो दे हैव विड्रॉन द चार्जेस चार्जेस में से यहां पे आरोप उन्होंने आरोप क्या ले लिए हैं वापस ले लिए ओके ये आपके एग्जांपल्स हैं सिक्स्थ अब कैट कैन रिट्रैक्ट बैक ठीक है रिट्रैक्ट बैक रिट्रैक्ट के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं है प्लस समझते हैं पंजों को कहते हैं व्हेन द एनिमी अटैक्ड आवर ट्रूप्स ट्रूप्स मीन सेना या सेना की टुकड़ियों को कहते हैं व्हेन द एनिमी अटैक्ड आवर ट्रूप्स वर फोर्स्ड हमारी जो सेना थी वो मजबूर हो गई टू रिट्रीट बैक है ना रिट्रीट खुद ही रिट्रीट है बैक की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए गलत हो जाए दे हैड टू रीइंबर्स बैक फिर से आ गए रीइंबर्स बैक तो रीइंबर्स के साथ बैक की कोई आवश्यकता नहीं है दे हैड टू रीइंबर्स ट्रेवल एक्सपेंसेस यानी उन्हें जो यात्रा के खर्च थे उन्हें उन्हें रीइंबर्स करना पड़ा मीन्स क्या करना पड़ा वापस करना पड़ा As soon as the thieves saw the police, जैसे चोरों ने पुलिस को देखा, they fled away. Fled के साथ आपने पढ़ा था, away का प्रयोग न करें आप, तो ये away हटा दो. And what would you like to do? आपको क्या करना अच्छा लगेगा? Supposing if, देखिए ध्यान से, supposing if, तो supposing के साथ if या if के साथ supposing की कोई आवश्यकता नहीं है, तो What would you like to do? आपको क्या करना अच्छा लगेगा? Supposing या if he does not come, यदि वह नहीं आता है। ये daily dose sheet one का पहला segment है superfluous examples के रूप में। निश्चित ही आप अगर ऐसे regular इसे करते हैं, तो आपको फायदा होगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, या फिर मेरे से पढ़े हुए, उनके पास भी sheets होंगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है आप ऑनलाइन देखना चाहते तो ऐसे भी आप इन्हें देख सकते हैं तैयार कर सकते मैं इसे कराता रहूंगा बीच बीच में रेगुलर करा दूं या बीच कराता रहूंगा तो फिर आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप जल्दी आइए ऑनलाइन आइए ये छोटा सा प्रयास है अभी अपने आप को चेक करने का ये बोर्ड सही देखने सही चल रहा है कि नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं इस वजह से और आगे और बेहतर देने की निश्चित ही कोशिश की जाएगी और मैं होप ही नहीं बिलीव करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे जिन भी बच्चों को लगे कि नहीं चीजें बेहतर हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलें और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यू वेरी मच और जरूर जरूर आप इसे सीजल में यूज कर सकते हैं